अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो भी पिछली वीडियो की तरह ज़बरदस्त होने वाली है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये इसके पिन बेरिंग का कड़ा किस तरीके से चेंज होता है और इसकी क्या सेटिंग है। सही है, तो वो बड़ी वाली वॉशवेल आपने वो वहाँ लगानी है, ठीक है ना। उसके बाद आपने ये कड़ा लगाना है, इसमें जब पिन बेरिंग वगैरह जो भी लगता है वो आपने पहले लगा लेना है, ठीक है, इसको चेंज करने से पहले। अब ये इसकी रॉड है, ये बिल्कुल वैसी रोड है जैसे मल्टी हेड में लगी होती है ना, वो टेकअप लीवर को आगे पीछे करती है, घुमाओ तो, ये भी बिल्कुल वैसे ही काम करती है, ठीक है ना। तो इसको लगाने के बाद इसकी मकसद है कि जो जो सेटिंग है मैं बताता हूँ आपको आहिस्ता आहिस्ता, और आगे की सेटिंग भी बताता हूँ कि वो क्या उसकी पिन कहाँ लगेगी और कैसे लगेगी। सही है ना, यानी कि निडल बार की पिन लगती है वो कैसे लगेगी और किस तरीके से लगेगी। ये आपने पिन बेरिंग को इसको लगाना है रॉड को, और सामने वो गरारी नीचे पड़ी हुई होगी उसको आपने उठाना है, और उसका एक नट आपने ऊपर की साइड रखना है, और ये जो शाफ्ट लगाई है ना, रॉड लगाई है मैंने, इसका कट भी आपने ऊपर की साइड रखना है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता लगाना है। वो उससे आसानी होगी कि जब आखिर में जाके वो होगी ना पहुँचेगी, तो वो नट भी गरारी का ऊपर हो और इसका कट भी सामने आ जाए, वहाँ पे आपने इसका नट टाइट करना है, ठीक है ना। तो कल की वीडियो आएगी, उसके बाद 2 से 3 दिन वीडियो नहीं आएगी, क्योंकि आपको पता है ईद का टाइम चल रहा है। सही है ना, तो मैं भी जाऊँगा अपने पंजाब, वीडियो तो बन नहीं पाएगी, ठीक है। तो ईद के बाद इंशाल्लाह फिर देखेंगे सेटिंग जो भी होगी। 2 से 3 दिन यानी कि वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाऊँगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ की थोड़ी वो बता दूँ मैंने बोला आप लोगों को। अब इसका ये रॉड तकरीबन चेंज होने वाली है, वहाँ से थोड़ा ये फंसा हुआ है, इसको अटक अटक के जाता है। वह तीन कड़े होते हैं, इनको तीनों को सेट करके फिर इसको आगे लेके जाना पड़ता है। सही है, अभी ये हो गया है तकरीबन, ओके हो गए, लग गया। और आखिर में जो इसकी लगेगी वॉशल वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। इसको यहाँ पर ये फंसेगा थोड़ा सा ऊपर करके, ये रॉड को जो है ना धक्का दे दो, देखो ये बिल्कुल ये क्लियर हो गया, ये वहाँ तक पहुँच गया। अच्छा, नीचे वाली जो इसकी वो अपना वो है जिससे 10 नंबर की चाबी से हम घुमाते हैं इसको, वो वाली जो है इसकी सेटिंग आप रख सकते हैं किसी दूसरे हेड को देख के। अगर समझ ना आए तो दूसरे को देख लेना कि वो कहाँ पर है, वो कैसे है, वैसे करके आप जो है इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो ये वॉशल जो है इसकी आखिर में आएगी, ठीक है ना। उसके बाद अभी इसका प्लेट लगा देते हैं हम। प्लेट लगाने के बाद आगे का अपना वो निडल बार का जो है सारा सेटअप वो भी मैं आपको बताता हूँ कि वो किस तरह से लगेगा। और ये SWM मशीन है, मल्टी हेड मशीन है, ठीक है ना। तो ये उसका है, हर मशीन का एक अलग अलग सेटिंग होती है, माया की अलग है, स्टीम की, ग्रेड की, अभी जो न्यू मॉडल आए हुए हैं कैंडल है, जितने भी आए हुए हैं हर मशीन की अलग अलग होती है, ठीक है। तो अभी इसको ऊपर वो जो गरारी मैंने बताई है आपको उसका नट टाइट कर देना है। उसका नट टाइट करने के बाद इसका फ्रंट का जो है ना सारा वो सेटअप वो भी बताता हूँ मैं आपको। ये SWM मशीन है, दोबारा बता दूँ मैं आपको, सही है ना। अभी वो तकरीबन वहाँ का तो हो गया है, अभी कैमरा लाऊँगा मैं सामने और सामने की जो जो सेटिंग है आपको वो बताऊँगा। सबसे पहले ये नट लगा लेने, ये जो प्लेट आपने खोली है ये बेरिंगों की, सही है ना, इसका तो नट आपने यहीं पर लगा देना है, ठीक है, सही है। ये जो ये खुला हुआ है ना सामने आपको बेल्ट दिखा दे रहा है, ये मकसद है, ये वही मशीन है जिसकी कैमें बदली करी थी, ठीक है ना। तो ये एक एक वीडियो बना के छोटे छोटे क्लिप वो मैंने जो है अपलोड किए हैं, ये एक ही साथ बनाता तो ये 1 घंटे की वीडियो थी, तो वो 1 घंटे की कौन देखता है यार, सही है। इस वजह से मैंने शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बनाई है, 8-8, 10-10 मिनट की, ठीक है ना। अभी फ्रंट पे लाऊंगा मैं इसको और फ्रंट की सेटिंग भी बताता हूँ। ये इसका नट लगा लूँ, 2 नट लगेंगे या इसके लगते तो वैसे 4 नट है, आपने 2 भी लगा देने, 3 भी लगा देने अगर नहीं लग रहे बाकी तो, सही है ना। इसका इनकोडर वगैरह तो वो बाद में लगाया है मैंने, उसकी वीडियो में नहीं बना पाया इनकोडर की सेटिंग, वो जो छोटा इनकोडर होता है मल्टी हेड का उसकी सेटिंग। तो बाकी सारी सेटिंग मैं बताता हूँ आपको इसकी आगे की, कि इसको आगे किस तरीके से इसका वो काम होगा, सही है ना। अभी तकरीबन ये प्लेट तो लग गई, इसका दूसरा नट भी लगा दूँ मैं, ये दूसरा नट ये रहा, इसको टाइट बाद में कर दूँगा मैं, सही है।
इसकी ये यहीं तक सही रहेगी, और आगे की जो है कैमरा मैं आगे लाऊंगा और आगे की सेटिंग बताता हूँ मैं आपको अपना सारी। ये तो ओके है, ये अच्छा लगा के मैंने ये थोड़ा सा वो कर दिया, ये खुला हुआ था ना पीछे आपने देखा, तो ये जो इसकी पिन है ना, ये पिन आपने उसी पिन वो अपना कड़े के अंदर लगानी है जो अभी लगाया है कड़ा, सही है, पिन बेरिंग का कड़ा जो अभी लगाया ना ये उसमें लगेगी। उसमें ये पिन लगाने के बाद आपने इसी पिन का एक नट आता है ये 2.5 नंबर का, जहाँ पे पिन लग रही है ना वो आपने 2.5 नंबर का नट भूलना नहीं है और उसको टाइट करना है लाजमी, क्योंकि अगर वो भूल गए ना तो ये चलते 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 फिर ये निकल जाएगा, फिर आपको खोलना पड़ेगा, फिर मेहनत करनी पड़ेगी, सही है। इसका इसका 2.5 नंबर का नट टाइट करने के बाद वो दूसरा भी लगाता हूँ मैं इसका, वो गुटका आता है ये सामने जो लगता है ये भी लगा देता हूँ ये। अच्छा मैं भूल गया था, अभी इसको दोबारा निकालूंगा और वो नट टाइट करूंगा तो फिर जो है वो देखा, मैं भी भूल गया, मैंने इस वजह से आपको सबसे पहले बता दिया कि ये नट आप भूले ना, इसको टाइट कर दें, ठीक है। अभी मैं इसको भूल गया था, इस वाले नट को, ये पिन जो लगाई है ना, अभी मैं इसको दोबारा निकाल रहा हूँ और इसका नट टाइट करूँगा, तो यही है, ये बंदा भूल जाता है क्योंकि ये नट है पीछे, ये नज़र नहीं आता। ये 2.5 नंबर का नट आपने यहाँ से टाइट करना है, ठीक है। उसके बाद मैं इसकी सारी वो बताता हूँ आपको कि ये कहाँ पे वो होगा और इसका रॉड जो है कैसे डलेगी, और स्प्रिंग वगैरह की जो है वो भी सेटिंग होती है, स्प्रिंग इसके किस तरह से रुकते हैं, ठीक है ना। दो स्प्रिंग होते हैं, एक ऊपर होता है बड़ा और एक नीचे होता है छोटा, ठीक है। तो ये अभी हो गया, आपने वापस इसकी ये लगा देनी है टाइमिंग वाला वो छोटा जो रॉड आता है, ये लगा रहा हूँ इसको, लोग पता नहीं क्या से क्या बोलते हैं, मेरे तो जो जहन में आता है मैं वही बोल देता हूँ, ठीक है। वो सेटिंग हो गई सारी, ये अगर ये पिन निकली भी होगी तो ये जाहिर बात है नहीं चलेगी, ठीक है ना। अभी ये आपने इसकी रॉड लगानी है न, ये वाली स्प्रिंग में जो लगी हुई होती है, ये ऊपर का स्प्रिंग आप देख रहे हो ये यहीं लगता है, ठीक है। बाकी नीचे का स्प्रिंग आ रहा है वो भी मैं दिखाता हूँ आपको, ये नीचे का स्प्रिंग देखें, ये सामने टेढ़ा हुआ पड़ा है, इसको अभी सीधा करूँगा। ये कैम वगैरह अभी इसकी खुली हुई है, ठीक है ना। तो मैंने पहले ही बताया है आपको कि इसकी 2 से 3 वीडियो बनाई है मैंने, एक ही काम की, एक ही साथ बनाता तो वो 1 घंटा 1.5 घंटा हो जाता, ठीक है ना। तो अभी इसके स्प्रिंग फंसा हुआ है, ये क्यों फंसा हुआ है, अच्छा हाँ, ये ऊपर से वो कैम जो है अभी टेढ़ी पड़ी हुई है तो वो इस वजह से ये नीचे नहीं आ रहा, और ये इसको नीचे करता हूँ मैं चाबी से घुमा के, थोड़ा घुमाने के बाद ये फिर आएगी अपनी जगह पे, ठीक है ना। तो इसको चाबी से घुमा देता हूँ मैं, ये नीचे आएगी और नीचे आने के बाद इसकी कैम भी देख लेनी है, कैम में इसका पिन बेरिंग सही नहीं वो होगा ना, देखो एक तो नीचे आ गई लेकिन दूसरी वाली ये वाली नीचे नहीं आई, ये वाली सही है ना, इसको वो कैम फंसी हुई है, पिन बेरिंग कैम में फंसा हुआ है, तो वो जगह पे आएगा तो ये नीचे बैठेगा, सही है। इस चीज़ से भी आपने परेशान नहीं होना कि यार ये है। अच्छा यार ये मेरी बैकग्राउंड की आवाज़ को थोड़ा आपने इग्नोर करना है, यहाँ पे जो है बहुत से ऐसे लोग हैं शरारती, वो जो शोर करते हैं, सही है ना। तो अब इसको कैम में इसकी सीधी करूँगा, ये नीचे आएगा, इसका स्प्रिंग वगैरह लगा के फिर इसको टाइट करना है, तो यही अभी नीचे आ गई, तो यही सारी सेटिंग है यार। आप लोगों को मैं समझाता रहता हूँ अच्छी तरीके से, पता नहीं समझ आती है आपको नहीं आती, अपनी इस वजह से मैं बोलता हूँ अपनी कीमती राय का इजहार मुझे ज़रूर दिया करें कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ यार ये चीज़ हमें समझ आई है और ये चीज़ समझ नहीं आई। तो जो चीज़ आपको समझ नहीं आएगी वो इंशाल्लाह मैं आपको कमेंट के अंदर ही समझा दूंगा कि भाई ये चीज़ इस तरह और इस तरह होती है, ठीक है ना। तो इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं है, ये अभी ओके हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इसके नट वगैरह वो आपको पता होगा, 2.5 नंबर के टाइट कर देना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अच्छा एक बात मैं फिर से बता दूं कि 2 से 3 दिन अब वीडियो नहीं आएगी, सही है। अस्सलाम वालेकुम।